अष्टभुजी माँ। गढ़ी के राजा पृथ्वीराज सिंह प्रसिद्ध राजा रहे। वे बड़े साहसी, धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनके राज्य में सब सुखी थे। एक बार रात में वे सो रहे थे, स्वप्न में देखा कि अष्टभुजी माता आई हैं। वे कह रही हैं कि स्थान से चले जाओ, यहाँ मैं निवास करूँगी। राजा सफेद खरगोश दिखाई देगा। अचानक एक कुत्ता आ जाएगा। कुत्ते को देखकर खरगोश भाग देगा। कुत्ता भी खरगोश के पीछे चल देगा। तुम भी कुत्ते के पीछे चल देना। जहाँ तक वे जाएंगे उनके पीछे पीछे तुम चलते रहना। इस स्थान से वे गायब हो जाएंगे। वहीं पर कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ने लगा। राजा भी कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। खरगोश और कुत्ता जहाँ यह नई गढ़ी बनी है वहीं से गायब हो गए। राजा ने उसी स्थान पर गढ़ी बनवाया जो नई गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई और राज्य का नाम भी नई गढ़ी हो गया। एक दिन लाल गंज का एक अहीर पानी लेकर जंगल में गया। उसने देखा जंगल की तरफ ज्वाला चल रही है। उसने फल के घर पानी डाल दिया। छोटी सी मूर्ति बन गई। वह अकेले में पड़ गया। वह घबरा कर चलते हुए राजा के पास गया और यह बात बताया। राजा को उस दिन के रात के सपने की याद आ गई। वे उस स्थान पर गए, पूजा पाठ किए। राजा माता के पैर पड़े और पूछे कि मेरे लिए क्या आदेश है। माता ने कहा मेरे स्थान पर एक कुटी बनवा दो। राजा ने ऐसा ही किया। आज अष्टभुजी माता लालगंज में प्रसिद्ध है। राजा को उस दिन के रात के सपने की